तो फ्रेंड्स, तीन लोगों के लिए मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर टोटल 8 मिर्च ली हैं, और ये वो मिर्च हैं जो कि अचार में यूज़ होती है और आपको इजीली मंडी में मिल जाएंगी। तो हमने जो 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं उनको अच्छे से मैश कर लेना है, और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ भुना जीरा, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 5 से 6 कड़ी पत्ता। अब इस मिक्सचर को अच्छे से हमें बना लेना है, और ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं इसकी फिलिंग हम मिर्च में करने वाले हैं। आप चाहे तो इस मिक्सचर को कितना भी टेस्टी बना सकते हैं, इसमें और मसाले चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लौंग, काली मिर्च एक्सेट्रा। जितने मसाले आप इसमें ऐड करेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा। और देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है, अब इसको कर देते हैं साइड में। और जो हमारी ये अचार वाली मिर्च है, बड़ी मिर्च होती है ये, हमें इनके जो हेड्स हैं इनको काट लेना है एक एक करके। ये खाने में बिल्कुल भी चिरचिरी नहीं होती हैं, और इनको काटते टाइम हाथ में भी कोई चिरचिरापन महसूस नहीं होता है। तो देखिए हमने सभी मिर्च के जो हेड्स हैं वो काट कर अलग कर दिए हैं, अब बारी है इनको बीच से कट करने की। तो फ्रेंड्स, हमें इनको सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही कट करनी है, हमें थ्रू आउट कट नहीं करना है जैसे कि इसमें आपको दिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही हमें वन बाय वन करके सभी मिर्च को काट लेना है, ताकि इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की है वो आसानी से भरी जा सके। तो अब हमारी सारी मिर्च कट कर तैयार हो चुकी हैं, अब बारी है इनमें इस फिलिंग को भरने की। तो ये जो हमने फ्रेंड्स फिलिंग जो है ये तैयार की है, ये ज़्यादा मोटी आलू नहीं रहने चाहिए इसमें, इसमें हमें बारीक आलू ही करके फिलिंग को तैयार करना है, ताकि जो ये मिर्च में है आसानी से भरी जा सके। तो हमें इस तरह से पूरी मिर्च को कवर करते हुए ये फिलिंग इसमें भर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक एक करके सभी मिर्च में फिलिंग को भर लिया है। अब इन मिर्चों को कोटिंग करके ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो कोटिंग करने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन। इस बेसन में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा देगी मिर्च और चुटकी भर खाने का सोडा। और अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाए। और अब हमें पतला बैटर तैयार करना है थोड़ा पानी ऐड करके, और इसको चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी लम्स ना आए, जो बेसन की गुठलियाँ बन जाती हैं वो इसमें नहीं बननी चाहिए, इसलिए हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है। और ये मिक्सचर तैयार होगा लगभग 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे तैयार होने में, तो बिल्कुल भी कोई प्रोसेस बाईपास नहीं करनी है इसको बनाने में, और इस कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर तैयार करना है। और अब हमने जो मिर्च को फिलिंग करके तैयार रखा था फ्रेंड्स, उनको कोटिंग करके हमें डीप फ्राई कर लेना है। और डीप फ्राई करने के लिए हमने जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है, और इसको धीरे से इस ऑयल में छोड़ देना है, और ये 15 से 20 सेकंड में ही सिककर तैयार हो जाएगा। तो हमें 15 से 20 सेकंड तक इसको ऐसे चलाते हुए सेकना है, और जब ये अच्छे से सिक जाए, हमें इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, ज़्यादा नहीं जलाना है, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप में भी इसको फ्राई करना है। तो अभी इसको हल्का फ्राई कर कर ही बाहर निकाल लेना है, जैसा कि ये जो बेसन है ये अच्छे से गर्म होकर तल जाए, बस उतना ही हमें इसको यहाँ पर सेकना है।
सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें वन बाय वन करके सारी मिर्च को ऐसे ही डीप फ्राई कर लेना है। और देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में अपनी सभी मिर्चों को कोटिंग करके डीप फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब इनको ठंडा होने देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए लगभग आधे घंटे बाद हम इसको दो पीसीज में काट लेंगे। आप चाहे तो इसको तीन पीसीज में भी काट सकते हैं, बट जैसे कि मिर्च का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हमने इसको दो पीसीज में ऐसे काट के अलग कर लिया। और फ्रेंड्स इसको ठंडा होने के बाद ही काटे ताकि जो बेसन है अच्छे से सेट होकर ईजिली कट जाए। तो हमने वन बाय वन करके अपनी सभी मिर्च को टू पीसीज में काट लिया है। तो हमने जैसे कि आठ मिर्च ली थी तो आठ में से हमारे 16 पीसीज बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इनको दोबारा डीप फ्राई करने की। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और कर लेते हैं इनको सेकेंड टाइम डीप फ्राई। लेकिन डीप फ्राई करने से पहले हमें एक बात ध्यान करनी पड़ेगी कि जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो ये जल सकते हैं, और अगर लो फ्लेम पर हम इनको डीप फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और अच्छे से ये सिक जाए। और लगभग 5 से 7 मिनट तक इन मीडियम फ्लेम पर हमें इनको ऐसे ही चलाते हुए डीप फ्राई करना है। जैसे जैसे ये गोल्डन कलर इनमें आने लगेगा तो हमें इसको वन बाय वन करके अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी मिर्च के पकोड़े बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इनको सर्व करने की। आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई चटनी टमाटो केचप है तो आप उसके साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।